अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शीतला मंदिर में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें अक्षत कलश के दर्शन पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने फूल बरसाकर कलश यात्रा का स्वागत किया है। वहीं शोभा यात्रा में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। इस दौरान अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्रद्धालुओं को घर घर जाकर अक्षत कलश देकर आमंत्रित किया जा रहा है। देखो, 500 वर्षों की तपस्या के बाद श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, जिसके कलश यात्रा नगर में पूरा देश में पूरा हिंदू समाज में आज इतना गौरवान्वित का बात है, बहुत खुश है लोग, और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है जिसमें हम सब मिल करके इसमें भाग लिए हैं। बहुत आनंद लगा मेरे को, बहुत खुश हूँ मैं तो, और पूरा बालोद नगर वासी, बच्चे बच्चे, गली गली, कोने कोने, हर वो हिंदू समाज, हर वो शख्स, हर वो अध्यात्म से जो जुड़े जितने लोग, सारे लोग बहुत खुश है। अरे, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है, इसी का निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर कलश यात्रा आज नगर में आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर अक्षत वितरण कर राम मंदिर के भव्य, जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस भव्य निर्माण को देखने के लिए आमंत्रण दिया गया है।